शुभ प्रभात बच्चों, आज मैं मियां नसरुद्दीन पाठ की व्याख्या करने जा रहा हूँ। मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूँगा, फिर उसमें जो क्लिष्ट अंश होगा उसकी व्याख्या करूँगा, उसका अर्थ बताते हुए चलूँगा। शुरुआत होती है, पाठ की शुरुआत पाठकों के संबोधन से होती है। लेखिका कहती है, साहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। यहाँ पे लेखिका एक खास पाठक वर्ग को संबोधित करते हुए उन्हें साहब के नाम से संबोधित कर रही है और वो कहती है कि राजनीति, साहित्य और कला के जो चोटी पर बैठे हुए उत्कृष्ट लोग हैं, यहाँ मसीहा का मतलब है जो सबसे ऊंचा हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो। तो पहले बात करती राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों में, जो भी इन क्षेत्रों में अपनी महारत, अपनी पटुता, अपनी सर्वश्रेष्ठता कायम किए हुए हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ लोगों के बीच एक और नानबाइयों के मसीहा, अर्थात नानबाई उसे कहते हैं जो रोटी पकाता है, तो रोटी पकाने वालों के मसीहा, अर्थात वो व्यक्ति जो रोटी पकाने वाले नानबाइयों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है, उसको पहचानने और उसके मसीही अंदाज, अर्थात उसके एटीट्यूड का, उसके अंदाज का, उसके विचार का, उसके दर्शन का कैसे पता चलता। अगर लेखिका कहती है कि मटिया महल की तरफ से वो न गुजरती तो आगे वो कहती हैं, हुआ यह कि हम एक दिन दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। वो कहती है कि जो जामा मस्जिद के आड़े पड़े, आड़े पड़े का मतलब उसके पिछवाड़े, जिससे कि वो आड़ अर्थात वो छिप जाता था। जामा मस्जिद के पिछवाड़े की तरफ एक मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले, मटिया महल एक क्षेत्र का नाम है जिसमें एक गढ़िया मोहल्ला है, उसकी तरफ वो गई। वहाँ उसने देखा एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके, ठिठके मतलब रुके। वो देखती है कि एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर, एक सामान्य सा एक दुकान था जहाँ चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, वहाँ पर ढेर सारा आटा वहाँ पे गूथा जा रहा था। जब ऐसा होते देखा तो लेखिका रुक गई, सोचा सेवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। तो जब पूछा तो पता चला कि वो प्रसिद्ध नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान के सामने लेखिका खड़ी है। वो मियां नसीरुद्दीन जो पूरे शहर में 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया, क्या पाया, मियां चारपाई पर बैठे बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए बीड़ी का उल्लेख करती है लेखिका, बीड़ी हमारे निम्न दर्जे के, जिनकी आय निहायत बेहद कम होती है, ऐसे लोग नशे के रूप में बीड़ी का सेवन करते हैं। तो इससे पता चलता है कि मियां नसीरुद्दीन की जो आर्थिक हालात हैं वो बहुत
निम्न स्तर के हैं, बहुत जर्जर हैं। आगे क्या कहती हैं, मौसमों की मार से पका चेहरा। अब उनका ये पूरा शब्द चित्र है, उनके पूरे पर्सनालिटी का नक्शे लेकर सिख तक। मौसमों की मार से पका चेहरा, अर्थात इतने मौसम आए और गए, जाड़ा सर्दी गर्मी बरसात सब आए और चले गए, और उसका हमारे शरीर पर असर पड़ता है। तो इसी से वो कहते हैं कि इतने मौसम आए और गुजर गए, ये उनके चेहरे से पता चलता है, क्योंकि उनका पका चेहरा का मतलब बुजुर्ग, उनका चेहरा जर्जर हो चुका है, वो वृद्ध हो चुके हैं। आँखों में काइयाँ भोलापन, यहाँ पे काइयाँपन अर्थात बेहद चालाकी, और भोलापन का मतलब सरलता, अर्थात उनकी आँखों में मिश्रित भाव नज़र आते हैं, बेहद लोमड़ी की तरह चालाकी भी नज़र आती है, जिसे काइयाँपन कहा गया है, और दूसरा भोलापन, खरगोश की तरह भोलापन, निर्दोष एकदम। पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, पेशानी अर्थात माथे पर बिल्कुल ऐसा भ्रुकुटी चढ़ी हुई थी, ऐसे मस्तक से ऐसा लगता था कि वो एक बहुत ही सिद्धहस्त कारीगर हैं। वो आगे बढ़ते हैं, हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। जब हम वहाँ पहुँचे, लेखा कहती है, तो हमें ग्राहक समझा उन्होंने और बोला फरमाइए, मतलब क्या आदेश है, फरमाइए मतलब क्या आदेश है। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे आपको, वक्त हो तो। लेखा थोड़ा सा सकुचाई, ये तो मुझे कस्टमर समझ रहे थे कि मेरा कुछ सुबह सुबह बोहनी कराएंगे, लेकिन इसी इस वजह से वो झिझकी थोड़ी, उसने संकोच किया, उसने कहा कि आपसे कुछ सवाल पूछने थे, अगर आपके पास वक्त हो तो हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं क्या। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, यहाँ पंच हजारी शब्द विशेष है। पंच हजारी शब्द मुगल सेना से लिया गया है। पंच हजारी मनसबदार उस समय कहा जाता था, उस समय जो मनसबदार अर्थात जो सामंत होते थे, जो छोटे छोटे राजा, जो सैनिक टुकड़ियों के जो सेनापति होते थे छोटे छोटे, उन्हें मनसबदार कहते थे। उनकी सेना की संख्या के आधार पर उन्हें मनसब प्रदान किया जाता था, जैसे एक हजारी, दो हजारी, पाँच हजारी, दस हजारी, एक लाख तक के मनसब प्रदान किए जाते थे उस समय। तो पंच हजारी का मतलब है जो पाँच हजार सेनाओं का सेनापति हो, उसे पंच हजारी मनसबदार मुगल काल में कहा जाता था। तो 5000 सेनाओं का सेनापति का सम्मान कैसे किया जाएगा, वही भाव लाने के लिए यहाँ पर लेखिका ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया कि बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ मियां नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया, स्वागत किया और बोले कि निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। वो कहते हैं कि वक्त तो निकाल लेंगे, लेकिन आप जानना क्या चाहते हैं। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, क्या जोड़ा, फिर हमें उन्होंने घूरा और अपने उस वाक्य में एक और नई चीज़ जोड़ दी, मियाँ कहीं अखबार नवीश तो नहीं हो। अखबार नवीश का मतलब है कि पेपर छापने वाला, पेपर बनाने वाला, पेपर प्रकाशित करने वाला, यह तो खोजियों की खुराफात है। मतलब पेपर पढ़ना और पेपर प्रकाशित करना दोनों को ही वो बेकार का काम समझते थे, इसलिए वो आगे कहते हैं हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। निठल्ला का मतलब जिसके पास कोई काम धाम ना हो, वो पेपर प्रकाशित करे और पेपर निकाले, पेपर पढ़े, निठल्ला मतलब कामचोर,
जिसे कोई काम ना हो वो ये फालतू का काम करे। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम, जो काम जिसके पास 50 काम हैं, जो जिम्मेदार आदमी है उसे पेपर से क्या काम, उसे तो काम से ही इतना वो रहता है कि उसे पढ़ने का कोई समय ही नहीं मिलता। खैर, वो कहते हैं आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। वो आगे कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप पूछ सकती हैं क्या पूछना चाहती हैं। लेखा कहती है पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने हासिल कहाँ से किया। वो पूछती क्या है, इल्म का मतलब जानकारी, ज्ञान, कि ये जो 56 तरह की जो भांत भांत की रोटियां आप पकाते हैं यह आपने कहाँ से सीखा, यह इसकी जानकारी आपको कहाँ से हुई, प्रश्न पूछती है। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। आंखों के कंचे मतलब पुतलियां स्थिर कर दी हमारे चेहरे पर, बड़े ध्यान से देखने लगे और फिर आंखें तरेर कर बोले कुछ विचित्र अंदाज में कि कौन सा विचित्र जीव आ गया कि ऐसे फालतू का प्रश्न कर रहा है कि हमने रोटियां बनानी कहाँ से की। अरे भाई, वो कहते हैं क्या मतलब, पूछिए साहब नान भाई इल्म लेने कहाँ जाएगा। मतलब कि एक जो रोटी पकाने वाला है वो सीखने कहाँ जाएगा, कोई स्कूल में जाएगा, कोई कॉलेज में जाएगा, स्कूल कॉलेज में रोटियां पकाना सिखाया जाता है क्या, नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, क्या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली की से सीखने जाएगा। वो आगे क्या कहते हैं कि जो उस समय विभिन्न भिन्न कारीगर थे उनकी वो बात करता है। नगीना साज का मतलब जो तरह तरह के पत्थर बनाते हैं, गढ़ते हैं। आईना साज जो आईना बनाते हैं, जो आईना का मतलब दर्पण, शीशा, जो देखने वाला होता है। क्या मीना साज के पास, मीना साज मतलब जो स्त्रियों की सौंदर्य सामग्री और स्त्रियों से संबंधित सामान बनाते हैं वो मीना साज होते हैं। रफूगर या रंगरेज, रफूगर जो कपड़े फट जाने पर जो रफू करते हैं उनको सिलते हैं उनको, ये रंगरेज जो कपड़े को रंगते हैं उन्हें, या तेली तंबोली अर्थात जो तरह तरह के तेल और इत्र निकालने और उसे बेचने का काम करते हैं। क्या इन लोगों के पास कोई नानबाई सीखने जाएगा। वो आगे कहते हैं क्या फरमा दिया साहब आपने, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। वो कहते हैं कि ये तो मेरे बाप दादों से मैंने सीखा है, ये मेरा खानदानी पेशे का मतलब है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग करते चले आ रहे हैं, हम सीखने कहाँ जाएंगे। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। वो आगे कहते हैं वालिद का मतलब अपने पिताजी से। वो कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद अर्थात अपने पिता से ही सीखा है। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। वो कहते हैं कि हम घर से कोई पढ़ाई लिखाई करने के लिए नहीं निकले कि कोई और दूसरा पेशा हम या दूसरा कोई काम हम जीविका के लिए करेंगे। हम तो शुरू से ही बचपन से ही अपनी इसी दुकान में अपने वालिद के साथ हम काम कर रहे हैं और इसलिए हम जो है हमारे पास न समय था न विचार था कि हम स्कूल जाएं पढ़ें लिखें और दूसरे जीविका के साधन उसको ढूंढें। वो आगे कहते हैं कि जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। वो कहते हैं कि ये जो बाप दादों से जब तक थे उनसे हमने सब सीखा और जब मेरे पिता का इंतकाल हो गया तो उनके स्थान पर हम आप इस दुकान के संचालन में, इस दुकान को चलाने में, इस काम को करने में पूरी तरह मुखिया की तरह लग गए। ठीक का मतलब अड्डा। कहते हैं दुकान पे क्या होता है, एक दुकान के मालिक के बैठने की जगह होती है, खास जगह होती है, उस पर उस जगह पर कोई और नहीं बैठ सकता।
तो उसी को इन्होंने कहा ठिया, अर्थात जहाँ मेरे पिताजी बैठते थे उनके स्थान पर हम आके बैठ गए। वह लेखिका पूछती, आपके वालिद, मतलब आपके वालिद कौन हैं, कौन थे? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, मतलब वो यादों में खो गए, लगा गहरी सोच में हैं, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। अर्थात वो अपने पिता के बारे में और अपने दादा दोनों के बारे में जानकारी देते हैं कि मेरे पिता का नाम पूरे उपाधि के साथ वो कहते हैं पिता बरकत शाही नानबाई, अर्थात वो शाही नानबाई थे, ये गढ़िया वाले जो मोहल्ला गढ़िया है उन्हीं के नाम से जान प्रसिद्ध थे, उनका नाम था मियाँ बरकत शाही और उनके उनके पिताजी का नाम अर्थात मियाँ नसीरुद्दीन के दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन, आला नानबाई मतलब जो नानबाइयों में सबसे श्रेष्ठ हो उसे आला नानबाई कहा जाता है, ये उपाधि के साथ उन्होंने बताया। तो मैं यहाँ तक ये व्याख्या यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। अगली जो व्याख्या है मैं इसके बाद की व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूँगा।